हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे बैटल थ्रू द हेवंस के सीजन 6 के एपिसोड 33 को। एपिसोड 32 के लास्ट में हमने देखा था जियान एंड ली क्विंग की फाइट के बाद बैटल फील्ड पर यूनर और लिन जुइया के बीच फाइट हुई थी। उस फाइट में यूनर ने बहुत ही आसानी से लिन जुइया को हरा दिया था। एंड फिर लास्ट में हमें कुछ वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो मैजिकल बीस्ट पर बैठकर कहीं जा रहे थे। अब आगे स्ट्रॉन्ग रैंकिंग ग्रैंड कंपटीशन में जो भी हुआ था वो सभी बातें पूरी इनर एकेडमी में फैल चुकी थी। सभी लोग यूनर और जियान को अपना आइडल बना चुके थे एंड कई लोगों ने पान गेट को भी ज्वाइन कर लिया था। इससे पान गेट की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन वहीं इनके आइडल पिछले 2-3 दिनों से गायब थे। अब हमें पान गेट के एक पेविलियन में मौजूद एक सीक्रेट चैम्बर को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक प्लेटफॉर्म था, एक बेड था। उस बेड पर जियान क्रॉसलेग कर बैठा हुआ था एंड ट्रेनिंग कर रहा था। एक तरह से कह सकते हैं वो मेडिटेशन कर रहा था। साइड में ही यूनर, लिनियान, लिन जुइया, पूजिया ये लोग खड़े हुए थे जो जियान को ही देख रहे थे। पूजिया कहती है, यूनर जियान ने पिछले 3 दिनों से अपनी आंखें नहीं खोली हैं, वो ठीक तो होगा ना? तो यूनर कहती है, तुम चिंता मत करो, जियान बिल्कुल ठीक होगा, वो इतना वीक नहीं है कि इतनी सी चीजों से मर जाए। तभी लिन जुइया आगे आता है। वो अपने स्पेस स्टोरिंग से एक जेड बॉक्स को बाहर निकालता है एंड कहता है, इस बॉक्स के अंदर एक स्पेशल मेडिसिनल हर्ब है जिसे अगर जियान यूज करेगा तो वो बहुत जल्दी ही हील हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस हर्ब को ले लीजिए। एक्चुअली फाइट के बाद लिन जुइया का दिल यूनर पर आ गया था बट यूनर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट फिर भी जियान के लिए यूनर उस हर्ब को ले लेती है। लेकिन यूनर लिन जुइया में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, इसलिए लिन जुइया थोड़ा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। अब 2 दिन और बीत जाते हैं। 5 दिन हो गए थे, जियान ने अभी भी आंखें नहीं खोली थी। यूनर आज भी उस सीक्रेट चैम्बर में जियान को देखने आई थी। वो जियान को देखते हुए कहती है, जियान तुम अपनी आंखें कब खोलोगे? जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम जब अपनी आंखें खोलो तब तुम मुझे अपने सामने ना देख पाओ। वो एक कहकर वहां से जाने लगती है। तभी अचानक से जियान की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी बाहर आती है जिसे फील कर यूनर भी शॉक हो जाती है। बट ये तो बस शुरुआत थी। अगले 5 मिनट तक लगातार जियान की बॉडी से वो पावरफुल एनर्जी बाहर आती जाती है एंड 5 मिनट बाद वो पूरा चैम्बर एनर्जी से भर जाता है, जिसके बाद अचानक से वह एनर्जी धीरे धीरे कर जियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है एंड फाइनली आधे घंटे बाद पूरे चैम्बर से एनर्जी गायब हो गई थी। यूनर समझ जाती है पिछले दिनों जियान एक्चुअली अपनी इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टेबलाइज कर रहा था। जैसे ही वो एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर जाती है, जियान अपनी आंखें खोल लेता है। जियान की बॉडी से एक पावरफुल ऑरा बाहर आने लगता है जिसे देखकर यूनर शॉक के साथ कहती है, जियान तुम्हारे ऑरा से लग रहा है कि अब तुम एक 5-स्टार डाउलिंग बन गए हो। तो जियान कहता है, मैं उसके काफी करीब हूँ। यूनर जियान की प्रोग्रेस को देखकर शॉक थी बट जियान नहीं था, बिकॉज जियान जानता था उसने अभी तक कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को खाया था एंड कई सारे ट्रेजर्स को स्वेलो किया था। इसलिए बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद जब वो रिकवर करेगा तब उसकी इतनी प्रोग्रेस तो हो ही सकती थी। तभी यूनर को जियान की बॉडी के अंदर कुछ फील होता है एंड वो कहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर तो पॉइजन है। जियान कहता है, हाँ एक्चुअली जब मैं जियामा एम्पायर में था तब मैंने नालान के ग्रैंड फादर की बॉडी से एक पॉइजन निकाला था बट वो पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर भी चला गया। बट चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास हेवनली फ्लेम है एंड हेवनली फ्लेम इस पॉइजन को रोक कर रख सकती है। ऐसी ही बातें करते करते दोनों सीक्रेट चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। पान गेट में आकर वो पान गेट के कई सारे मेंबर से मिलते हैं। तभी जियान की नज़र वहाँ मौजूद लिनियान पर पड़ती है। लिनियान की चेस्ट पर पान गेट का बैच देखकर जियान शॉक के साथ कहता है, क्या तुम भी पान गेट के मेंबर बन गए हो? तो लिनियान कहता है, पान गेट अभी के लिए इनर अकेडमी का सबसे पावरफुल ग्रुप बन चुका है एंड मैं भला कैसे इस ग्रुप का मेंबर बनने का मौका गंवा देता। वो लोग कुछ और बातें भी करते हैं जिसके बाद जियान पान गेट के मैटर्स को सुलझाने में लग जाता है। अगले कुछ दिनों तक वो बस अपने पान गेट पर ध्यान देता है एंड ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। अचानक से एक दिन
यूनर उसके पास आती है एंड उसे खींचते हुए माउंटेन्स में लेकर जाती है, जहाँ पर एक अच्छी जगह ढूंढकर वो दोनों बैठ जाते हैं एंड बातें करने लगते हैं। यूनर पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। सीएन जब उससे इसका रीज़न पूछता है तो यूनर तो कह देती है, मैं तो नॉर्मली बिहेव कर रही हूँ, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी अचानक से मास्टर यावलाव सीएन से कहते हैं, कुछ पावरफुल लोगों का ग्रुप तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। वो अभी के लिए नॉर्थन डायरेक्शन में हैं एंड उड़ने वाले मैजिकल बीस्ट की पीठ पर सवार हैं। ये बात सुनते ही सीएन नॉर्थन डायरेक्शन में देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ ह्यूमन फिगर्स दिखाई पड़ती हैं जो मैजिकल बीस्ट की पीठ पर बैठी हुई थी। जीएन ने आज से पहले ऐसे मैजिकल बीस्ट कहीं नहीं देखे थे, लेकिन तभी अचानक से यूनर उसे अपने से दूर कर देती है, उसे धक्का दे देती है एंड उन मैजिकल बीस्ट की डायरेक्शन में देखने लगती है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।